रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी दी है। उनके बयान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पुतिन ने यूक्रेन के बड़े हमलों पर बोलते हुए पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर रूस पर पारंपरिक मिसाइलों से हमला किया गया तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस पर किसी भी परमाणु शक्ति की मदद से किए गए हमले को संयुक्त हमला माना जाएगा। पुतिन का ये ऐलान रूस के परमाणु नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है और यूक्रेन को रूसी में खतरनाक पश्चिमी मिसाइल दागने की अनुमति के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में चल रही चर्चाओं के जवाब में आया है। सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पुतिन ने अधिकारियों को परमाणु नीति में किए गए बदलाव के बारे में बताया और कहा कि विश्व में तेजी से होते बदलाव के मद्देनजर और रूस के लिए बड़े खतरे को देखते हुए ये कदम उठाना जरूरी है।